आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th की हिस्ट्री का चैप्टर 10 और इसका है ये पार्ट थर्ड। टॉपिक है हमारा कि अपनी जमीन में मूल बासिंदों की बेदखली। लास्ट में आपको मैंने सब कुछ बताया था कि जो मूल बासिंदे हुआ करते थे वहां पे उनके साथ कैसा हो रहा था, क्या चीजें हो रही थी, कैसे उनको मतलब पीछे हटने के लिए मजबूर किया जा रहा था। तो ये सारी चीजें आपने डिटेल में लास्ट वीडियो में देखी थी, उसके आगे टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी बस्तियों का विस्तार किया, यानी कि अपनी बस्तियों को बढ़ाने लगे, जमीन की बिक्री के समझौते पर दस्तखत कराने लगे, उसके बाद क्या हुआ, जो मूल निवासी थे उनको पीछे हटना पड़ा, क्योंकि अब उनकी जमीनें जो थी वो जा रही थी, बिक्री थी, और उनको पीछे हटने के लिए प्रेरित किया गया या फिर उनको बाध्य यानी कि मजबूर किया गया। ठीक है, तो उन्हें दी गई कीमतें जो थी वो बहुत कम थी, और इसके भी कुछ उदाहरण मिलते हैं, क्योंकि उनको ऐसे भी कुछ उदाहरण मिले हैं कि उनको पहले तो कीमत कम दी गई और दूसरी चीज ऐसी भी कुछ उदाहरण मिले कि उनके साथ धोखे किए गए, यानी कि उन्हें क्या किया गया कि उनसे ज्यादा जमीन ले ली लोगों ने और पैसा जो दिया वो बहुत कम दिया, या फिर पैसा देने में वादा खिलाफी कर दी, यानी कि शुरू में बोल दिया कि हम तुम्हें इतना पैसा देंगे और उनसे जमीन भी ले ली और बाद में उनको पैसा भी उतना नहीं दिया, ऐसा भी एग्जाम्पल मिले हैं वहां पे। और ये जो यहाँ पे हम बात कर रहे थे उच्च अधिकारी यानी जो बड़े बड़े अधिकारी थे वो भी क्या थे कि मूल बाशिंदों को बेदखली को गलत मानते थे। वो कहते थे कि जो मूल निवासी हैं, जो खुद यहाँ के रहने वाले हैं, उनको बेदखल किया जा रहा है, बताओ ये तो गलत बात है, ऐसा ये कहते थे। ये जॉर्जिया के एक प्रकरण में देखा गया। जॉर्जिया जो एक जगह है उसके एक प्रकरण का मतलब होता है एक टॉपिक या फिर एक मुद्दा, एक मुद्दे में देखा गया था। जॉर्जिया जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है, एक जगह है, वहां पे एक देश है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ के अधिकारियों ने ये कहा था कि चिरोकी कबीला, अब ये आपको नाम ना ऐसे ऐसे जो आते हैं चिरोकी कबीला, जो आपको अटपटे नाम लगते हैं, आपको इन्हें हाईलाइट करना अपनी बुक में, जब भी पढ़ते हो तो इनको इन पे नजर जरूर डालनी है। तो ये जो चिरोकी कबीला राज्य था, चिरोकी कबीला राज्य इसके कानून से शासित होता है। ठीक है, तो इस ये जो मतलब चिरोकी कबीला राज्य है उसका जो कानून है उससे शासन होता था जॉर्जिया में, लेकिन नागरिक जो थे वहां के रहने वाले उनके नागरिक अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकते थे। तो कहने का मतलब ये है कि जो कुल मिला के जो मूल बासिंदे हैं, यहाँ पे देखो जो मूल निवासी हैं, मूल निवासियों में से चिरोकी ही ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजी सीखने और अमेरिकी जो जीवन शैली थी उसको समझने की सबसे ज्यादा कोशिश की, ठीक है, उनकी तरह बनने की कोशिश की, तब भी उन्हें नागरिकों के अधिकार नहीं दिए गए, यानी कि उन्होंने उनको फॉलो करने का पूरा प्रयास किया लेकिन फिर भी उनको नागरिकों जैसे अधिकार नहीं दिए गए। ठीक है, इन मूल निवासियों को, कहने का मतलब क्या है, जो मूल निवासी थे, जो वहां के सच्चे बासिंदे थे, जो वहां पे रहते आ रहे थे, उनके साथ कुल मिला के भेदभाव पे भेदभाव होता जा रहा था। अब देखो यहां से मैंने एक पैरा छोड़ा है और दूसरे पैरे पे आया हूं, क्योंकि ये जो पैराग्राफ है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने पहले से रहने वाले कबीलों की जमीनें ले ली वे इस आधार पर अपने को उचित ठहरा रहे थे, कह रहे थे कि जो मूल निवासी उनको जमीन का अधिकतम इस्तेमाल करना नहीं जानते, यानी कि आपको पता था जो मूल निवासी लोग थे वो जमीन से इतना लगाव नहीं था उनको, ना वो जमीन पे अधिकार को लेकर लालची थे, मतलब कह रहे हैं ना लालची बिल्कुल भी नहीं थे वो, अधिकार को लेकर जरा भी लालच उनके अंदर नहीं था, तो इसीलिए ये कह रहे थे कि जो मूल निवासी हैं वो जमीन का अधिकतम इस्तेमाल जो है वो करना ही नहीं जानते, इसलिए उनके कब्जे में रहनी ही नहीं चाहिए। तो जब वो उसका यूज करना नहीं जानते तो जमीन उनके कब्जे में देने का फायदा ही क्या है। वे इस बिना पर भी मूल निवासियों की आलोचना करते थे कि वे आलसी हैं, इसलिए बाजार हेतु उत्पादन करने में अपने शिल्प कौशल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अंग्रेजी सीखने और ढंग के कपड़े पहनने में उनकी दिलचस्पी नहीं थी, ठीक है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि वो जो मूल निवासी हैं उनकी आलोचना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये आलसी लोग हैं, ये बाजार हेतु उत्पादन करने के लिए शिल्प कौशल का इस्तेमाल करना नहीं जानते, ना तो ये अंग्रेजी सीखते हैं और ना ये अच्छे तरीके से कपड़े पहनते हैं, ना ही मतलब इनको किसी अच्छे कपड़े पहनने में कोई इंटरेस्ट है, यानी कि ये बिल्कुल मतलब इनको जंगली समझ रहे हैं। कुल मिला के उनका कहना ये है, ये था कि वे मर खपने लायक है, यानी कि वो मरने के लायक है, वो किसी लायक ही नहीं है। खेती की जमीन निकालने के लिए प्रेरीज साफ की गई और जंगली भैंसों को मारा गया। एक फ्रांसीसी आगंतुक ने लिखा कि आदिम जानवरों के साथ साथ आदिम मनुष्य भी लुप्त हो रहे। अब देखो मतलब यहाँ पे कितनी बड़ी बुराई कर दी है इनकी, एक तो ये कह रहे हैं कि ये मरने के लायक है, ये किसी लायक नहीं, इनको कुछ तमीज नहीं, कहने का मतलब ये असभ्य लोग है ऐसा बोलना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि खेत की जमीन निकालने के लिए प्रेरीज, प्रेरीज क्या है, प्रेरीज अमेरिका में घास के मैदान जो होते हैं
उसको प्रेरीज कहा जाता है। तो इन्होंने कहा कि प्रेरीज साफ की गई यानी घासें साफ की गई और जंगली भैंसों को मारा गया। और देखो घास साफ कर दी, जंगली भैंसों को मार दिया, क्योंकि प्रेरीज में जंगली भैंसें बाइसन वगैरह बहुत होती थी अमेरिका में। तो एक फ्रांसीसी आगंतुक ने क्या लिखा, एक फ्रांसीसी ने लिखा है कि आदिम जानवरों के साथ साथ, आदिम जानवर कौन, आदिम जानवर जंगली भैंसे, यानी जो जंगली भैंसे हैं उसके साथ साथ आदिम मनुष्य लुप्त हो जाएगा, आदिम मनुष्य जो है वो भी लुप्त हो जाएगा, यानी कि मूल निवासी वगैरह भी क्या हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे, उनको जानवरों की तरह ही समझ रहे हैं, सोच लो इस तरीके की बातें यहाँ पे। तो इस बीच मूल निवासी जो थे वो पश्चिम की ओर धकेल दिए गए। देखो इस चैप्टर का नाम ही है मूल निवासियों का विस्थापन, यानी जो वहां के रहने वाले मूल निवासी हैं उनका विस्थापन हो रहा है, यानी उनको कहीं और भेजा जा रहा है या फिर मतलब मजबूर होकर कहीं और जाना पड़ रहा है। तो पूरे चैप्टर में हम ये देख रहे हैं, इन्हें स्थायी तौर पर यानी परमानेंट अपनी जमीन दे दी गई थी, लेकिन अक्सर उन्हें उस जगह से भी बेदखल होना पड़ता। कहने के लिए तो उनको एक परमानेंट जगह दे दी, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ कि उनको उस जगह से भी बेदखल होना पड़ता। जब उनकी जमीन के अंदर सीसा सीसा सोना या तेल जैसे खनिज होने का पता चल जाता। ऐसे मान लो लोकल जमीन दे दी भाई, कल को पता लगा कि इस जगह पे कोई खनिज है तो उनको वहां से निकाल के फेंक देते और उस जगह का इस्तेमाल करते, तो ऐसा होता था प्राय। कई बार क्या हुआ कि कई समूहों को मूलतः किसी एक के कब्जे वाली जमीन में ही साझा करने के लिए मजबूर किया गया। ठीक है, एक की किसी एक की जमीन है उसी पे ही मतलब दो लोगों को साझा साथ में रहने के लिए मजबूर किया गया, बाध्य किया जाता, जिससे कि उनके बीच में कई बार झगड़े हो जाते। तो मूल निवासी जो थे वो छोटे इलाके में कैद कर दिए गए, एक छोटे से इलाके में, बाकी सारी जो उनकी जो जगह होती थी बड़ी बड़ी उन जमीनों को लेकर उनको वहां से निकाल दिया गया। ठीक है, एक छोटी सी जगह पे जहां पे उनको कैद करके रख दिया गया उसको रिजर्वेशन या आरक्षण कहा जाता था। मान लो कि ये पूरे देश में एक छोटी सी जगह है और ये जगह किसको दे दिया उन्होंने, मूल निवासियों को, तो ये जो क्षेत्र है ना वो आरक्षण कहलाएगा, यानी कि वो मूल निवासियों का रिजर्वेशन है। ये प्राय ऐसी जमीन होती थी जिनके जिसके साथ उनका पहले से कोई रिश्ता नहीं था। जाहिर सी बात है कि इनकी खुद की जमीन से तो उनको भगाया गया है, इससे कोई रिश्ता नहीं है, किसी नई जमीन पे इनको भेज दिया जाता था। और ऐसा नहीं है कि अपनी जमीनें उन्होंने बिना लड़े छोड़ दी। संयुक्त राज्य की फौज ने 1865 से 1890 के बीच विद्रोहों की एक पूरी श्रृंखला का दमन किया, यानी कि इन मूल निवासियों ने पूरी कोशिश की, विद्रोह किया। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका की फौज ने, और कनाडा में 1869 से 1885 के बीच सशस्त्र विद्रोह हुआ फौज के साथ, लेकिन इन लड़ाइयों के बाद भी इन्होंने हार, इन लड़ाइयों के बाद इन्होंने क्या की, हार मान ली, क्योंकि इन्होंने ये सोच लिया था कि भाई अब तो हमें अपनी जमीन को छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लोग जो है हमको हमारी जमीन से बेदखल करके ही मानेंगे। आगे देखो, गोल्ड रश और उद्योगों की वृद्धि, क्या होता है गोल्ड रश और उद्योगों की वृद्धि, इस टॉपिक को थोड़ा यहाँ पे डिटेल में जानते हैं। देखो ये जो लोग थे ऐसा मानते थे कि ऐसी हमेशा से ही उम्मीद की जाती थी कि जो उत्तरी अमेरिका है, ठीक है यहाँ पे हम नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका की जो धरती है उसके नीचे सोना है, गोल्ड है, ऐसा माना जाता था। 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में सोने के कुछ चिन्ह मिले, यानी सोने के कुछ सबूत मिले। इसने गोल्ड रश को जन्म दिया, किस चीज को जन्म दिया, गोल्ड रश को। ये उस आपाधापी का नाम है जिसमें हजारों की संख्या में आतुर यूरोपीय लोग चुटकियों में अपनी तकदीर संवार लेने की उम्मीद में अमेरिका पहुंचे थे। कि हजारों क्या सोच के अमेरिका पहुंचे थे लोग, यूरोपीय लोग, वो ये सोच के पहुंचे थे कि अमेरिका में उस जगह पे सोना है, क्योंकि वो गोल्ड की खोज में तो वैसे ही पागल रहते थे। आपने पुरानी जो हमारे चैप्टर गए उनमें भी पढ़ा है, तो वो ये सोच रहे थे कि भाई अमेरिका में चले जाते हैं, अगर हमें मिल जाए ना वो गोल्ड तो चुटकियों में हमारी तकदीर बदल जाएगी, बिल्कुल संवर जाएगी, इस उम्मीद को लेकर वो अमेरिका पहुंचे थे। और इसके चलते उन्होंने क्या किया, पूरे महाद्वीप में रेलवे लाइनों का निर्माण कराया, और जिसके लिए हजारों चीनी श्रमिकों की नियुक्ति हुई। ठीक है, चीन के श्रमिक जो थे, मजदूर जो थे, उनकी नियुक्ति की गई, क्योंकि रेलवे ट्रैक का काम करना था, बहुत भारी काम था ये। और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका रेलवे का काम 1870 में पूरा हुआ और कनाडा की रेलवे का काम जो था 1885 में पूरा हुआ। अगर मैं यूएसए की रेलवे की बात करूँ तो 1870 में हुआ, और मैं कनाडा की अगर बात करता हूँ तो 1885 में हुआ,
तो ये इसकी थोड़ी डेट है, अगर आप याद रखना चाहें तो इसे याद रखें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड्रयू कार्नेगी ने स्कॉट जो कि स्कॉटलैंड से आया हुआ एक गरीब अप्रवासी और संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले करोड़पति उद्योग स्वामियों में से एक, ठीक है। ये क्या है, स्कॉटलैंड से आया हुआ एक गरीब अप्रवासी बाहर से आके बसा हुआ है और संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले करोड़पति उद्योग उद्योग स्वामियों में से एक था, ठीक है। और पुराने राष्ट्र घोंगे की चाल से सरकते रहे, घोंगे की चाल मतलब धीरे धीरे, और नए गणराज्य किसी एक्सप्रेस की गति से, एक्सप्रेस मतलब बहुत तेज, घोंगे की चाल कैसे होती है एकदम धीरे धीरे धीरे, और एक्सप्रेस की चाल कैसे होती है एकदम तेज। तो कहने का मतलब क्या है कि जो पुराने राष्ट्र थे वो पहले की तरह आराम आराम से मतलब विकास नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जो नया गणराज्य था वो बहुत तेजी से विकास वगैरह में करने लगा था। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के एक खास समय में होने के पीछे एक कारण ये था, ये भी था कि छोटे खेतीहर बड़े किसानों के हाथों अपनी जमीन से वंचित होकर कारखानों की नौकरी की ओर मुड़ रहे थे। उत्तरी अमेरिका में उद्योग कई अलग तरह के कारणों से विकसित हुए, रेलवे के साज सामान बनाने के लिए, ताकि दूर दूर की जगहों में तीव्र परिवहन के द्वारा जोड़ा जा सके। हो क्या रहा था यहाँ पे, आप देखो समझने की कोशिश करो, ये थोड़ी सी लाइन है बस। क्या हुआ था कि ये जो इंग्लैंड है यहाँ पे जब औद्योगिक क्रांति वगैरह का समय था, तो उस समय क्या हो रहा था, जो छोटे खेती करने वाले किसान होते थे वो बड़े किसानों के हाथों अपनी जमीन से वंचित होकर, यानी कि बड़े किसानों ने छोटे किसानों की जमीन को छीन लिया। अब छोटे किसानों के पास जमीन नहीं रही, तो ऐसे में उन्होंने क्या करा, उन्होंने कारखानों में नौकरी की ओर मुड़ गए, यानी कि उन्होंने बोला चलो अपनी जमीन तो छिन गई, चलो कारखाने में नौकरी ही कर लेते हैं, उधर मुड़ गए। उत्तरी अमेरिका में उद्योग जो थे वो कई तरह के कारणों से विकसित हुए, क्योंकि रेलवे के साज सामान बनाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे रेलवे का निर्माण करवाया जा रहा है तो वहां उसका साज सामान की जरूरत थी। तो ये सारे रीजन यहाँ पे हैं, आगे चलते हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और है तो आपको वो भी बताते हैं। फिर यहाँ पे क्या हुआ, दूर दूर जो तेज परिवहन के परिवहन से जोड़ा गया, ताकि एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान हो जाए, व्यापार आसान हो जाए, हर तरह से मतलब फायदा हो जाए, और ऐसे यंत्रों का उत्पादन करने के लिए जिनसे बड़े पैमाने की खेती को आसान बनाया जा सके। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दोनों जगहों पर औद्योगिक नगरों का विकास हुआ और कारखानों की संख्या जो थी वो तेजी से बढ़ी। 1860 में संयुक्त राज्य अमेरिका का अर्थतंत्र जो था वो अविकसित अवस्था में था। फिर क्या हुआ, 1890 में वह दुनिया को की अग्रणी औद्योगिक शक्ति बन चुका था, यानी कि दुनिया की सबसे आगे बढ़ता हुआ औद्योगिक शक्ति, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज को महसूस करो, समझने की कोशिश करो, 1860 में और 1890 में कितने साल का डिफरेंस है, केवल आपको 30 साल का डिफरेंस लगेगा। कि 1860 में संयुक्त राज्य अमेरिका जो था उसकी अर्थव्यवस्था जो थी वो अविकसित अवस्था में थी, यानी कि डेवलप नहीं थी, लेकिन 30 साल बाद 1890 में वो दुनिया का अग्रणी औद्योगिक शक्ति बन चुका था, यानी इतना मजबूत हो चुका था। इन 30 सालों में क्या हो गया, आप समझ सकते हो, क्योंकि भाई यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे जो रेलवे वगैरह लाइन लाई जा रही थी, ठीक है, विभिन्न तरह का विकास हो रहा था, ये सारे काम यहाँ पे हो रहे थे। बड़े पैमाने की खेती का विस्तार हुआ, बड़े पैमाने पे यानी कि खेती जो थी वो बड़े लेवल पे होने लगी, बड़े बड़े इलाके जो थे वो साफ किए गए और खेतों के रूप में उनके टुकड़े कर दिए गए, ठीक है, खेत बना दिए गए बड़े बड़े इलाकों को। 1890 आते आते जंगली भैंसों का लगभग पूरी तरह उन्मूलन किया जा चुका था। मैंने आपको बताया था यहाँ पे जंगली भैंसे बाइसन बहुत ज्यादा होती थी, और यहाँ पे प्रेरी जो घास के मैदान है वहां पे तो बहुत ज्यादा, तो क्या कर रहे थे वो घास के मैदानों को साफ कर रहे थे और जंगली भैंसों को मार रहे थे, यानी उनका उन्मूलन किया जा चुका था, उनको नष्ट करने लगे थे, और इस तरह शिकार वाली वह जीवनचर्या भी समाप्त हुई थी। याद है आपको, हाँ मुझे एक पॉइंट बताया था मैंने आपको, यहाँ से याद आ जाएगा कि मूल बासिंदे जो होते थे वो क्या करते थे, इन जंगली भैंसों का शिकार करते थे। हमने पढ़ा था अगर आपको याद हो कि मूल निवासी क्या करते थे, जंगली भैंसों का शिकार करते थे। हाँ मैं आपको याद दिला रहा था कि ये जो मूल बासिंदे होते थे ये क्या करते थे, जंगली भैंसों का शिकार करते थे, और ये उतनी ही भैंसों को मारते थे, यानी उतना ही शिकार करते थे जितना इनके लिए काफी हो, यानी कि जरूर आवश्यकता से अधिक कभी भी मतलब इनको रखने की आदत नहीं थी। तो ऐसा कभी होता था तो वही शिकार वाली जो व्यवस्था थी अब वो समाप्त हो चुकी थी। क्यों, क्योंकि अब तो भाई ना जंगली भैंसे रही और ना वो मूल निवासी रहे, वो भी भगाए जा रहे हैं।
तो जिसे मूल बाशिंदे सदियों से जीते आ रहे थे वो लाइफ जो थी, वो जीवनचर्या जो थी वो जा चुकी थी। 1892 में संयुक्त राज्य अमेरिका का महाद्वीपीय विस्तार पूरा हो चुका था और प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच का क्षेत्र राज्यों में पूरी तरीके से विभाजित किया जा चुका था। अब कोई फ्रंटियर वगैरह नहीं है जो कई दशकों तक यूरोपीय आबादकारों की पश्चिम की ओर खींचता रहा। अब कहने का मतलब ये है कि अब अगर हम बात करें अमेरिका की, इस टाइम पे अमेरिका की बात करें, तो इस टाइम पे अमेरिका अब पहले जैसा नहीं रहा था, पूरी तरीके से एक डेवलप हो चुका था। यहाँ पे देखो एक बार मैं फिर अंडरलाइन करता हूँ, आप समझना उसे, कहने कि कुछ ही वर्षों के भीतर यानी कि कुछ ही सालों में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, हवाई और फिलीपींस में अपने उपनिवेश बसा रहा था, यानी कि अपनी कॉलोनिया बना रहा था। कॉलोनिया बनाने का मतलब है वहां पर जाना, वहां पे अपना अधिकार जमा लेना और वहां पे मतलब वहां के लोगों को अपने कब्जे में ले लेना, वहां पे अपनी शासन व्यवस्था चलाना, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी रूपों से उनको प्रभावित करना, ये होता है। ठीक है, उपनिवेश यानी अपना उपनिवेश बना रहा था, अपना गुलाम बना रहा था और साम्राज्यवादी शक्ति बन चुका था अमेरिका। जबकि आपको पता हो कि अमेरिका एक टाइम पे यूरोप का गुलाम होता था, ब्रिटेन का गुलाम होता था, फ्रांस जैसे देशों का गुलाम था, पुर्तगाल जैसे बहुत सारे, स्पेन जैसे देश थे जिन्होंने वहां पे अपनी कॉलोनीज बना रखी थी एक टाइम पे। अब क्या था, अमेरिका खुद दूसरी जगह पे अपनी कॉलोनीज बना रहा था यानी उपनिवेश बना रहा था। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, सिंपल ही है सब कुछ, बट आपको पढ़ना तो पड़ेगा एक दो बार अच्छे से। अब देखो अगला टॉपिक देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे है संवैधानिक अधिकार, इसके बारे में जानते हैं। आबादकारों ने 1770 के दशक में आजादी के अपने संघर्ष में लोकतांत्रिक भावना के जिस नारे की तरह एकजुटता बनाई थी। अब यहाँ पे इतनी पूरी कहानी पढ़ ली पर एक वर्ड आया हमारे सामने, आबादकार। अगर हम इस वर्ड को नहीं समझेंगे तो पूरी कहानी बकवास हो जाएगी। क्या होता है आबादकार ये समझो। देखो आबादकार कौन होता है, ये एक किसान होता है। कौन सा किसान होता है, ये एक ऐसा किसान होता है जो जंगल को काटता है, यानी जंगल को काट कर साफ करके उसको खेती योग्य बनाता है। यानी कि उसका जो उद्देश्य होता है वो होता है कि जो जंगल जैसी जमीन है उसको साफ करके खेती के योग्य बनाना, या फिर हम दूसरे वर्ड में कह सकते हैं जो परती भूमि होती है। परती भूमि मतलब जो बिल्कुल खाली पड़ी है, खेती नहीं हो रही है, लेकिन उसको वो खेती योग्य बनाए, ऐसे किसान को हम आबादकार कहते हैं। तो आबादकार जो थे उन्होंने 1770 के दशक में आजादी के अपने संघर्ष में लोकतांत्रिक भावना के जिस नारे के तहत एकजुटता बनाई थी, वह क्या हो गई थी, वही पुरानी दुनिया की राजशाही और अभिजात तंत्र के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका की पहचान बनी। यानी कि उन्होंने शुरू से ही मतलब 1770 के दशक से ही उन्होंने क्या कर दिया था, अलग मतलब बसने की मांग कर दी थी, आजाद होने की मांग कर दी थी। ठीक है, इन्होंने अधिकारों की मांग कर दी थी, आप ये समझो। तो यहाँ पे देखो उनके लिए ये भी अहम था कि उनके संविधान में व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार को शामिल किया गया है जिसे रद्द करने की छूट राज्य को नहीं है। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि हर व्यक्ति की एक अपना संपत्ति का अधिकार होता है। यानी कि मान लो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मूल निवासियों के पास अपनी जमीन होती थी जिसपे वो रहते थे, जो भी खेती करते थे, लेकिन उनको क्या किया गया, उनकी संपत्ति से हटा दिया गया, यानी कि उनकी संपत्ति से उनको भगा दिया गया। ये कह रहे थे कि भाई हर व्यक्ति को मतलब ये कह रहे हैं कि संविधान में व्यक्ति के पास संपत्ति का अधिकार है, लेकिन उस संपत्ति का अधिकार को राज्य को रद्द करने की छूट नहीं है। यानी कि राज्य मतलब जो जिसका भी शासन हो, चाहे वो कोई भी सरकार हो, वो उस संपत्ति के अधिकार को रद्द नहीं कर सकती, ऐसा ये कहना चाहते थे। लेकिन लोकतांत्रिक अधिकार और संपत्ति का अधिकार दोनों सिर्फ गोरे लोगों के लिए थे। गोरे लोगों का मतलब समझ रहे हो ना, अंग्रेज वगैरह जो थे इनके लिए थे। एक कनाडाई मूल निवासी डेनियल पॉल ने 2000 में इस ओर ध्यान खींचा कि अमेरिकी स्वाधीनता संग्राम और फ्रांसीसी क्रांति के समय लोकतंत्र के पक्ष में आवाज बुलंद करने वाले थॉमस पाइन ने समाज का संगठन करने के लिए इंडियंस का इस्तेमाल एक मॉडल के तौर पे किया था। ठीक है, होता क्या था कि उस टाइम पे मतलब अधिकारों की बात चलती थी, लेकिन अधिकार जो होते थे वो केवल गोरे लोगों को ही मिले थे। जो एक कनाडाई मूल के लोग की अगर बात करें तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो उस टाइम पे, ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि क्या नाम है इनका, ये देखो थॉमस पाइन ने कहा कि समाज का संगठन करने के लिए इंडियंस का इस्तेमाल एक मॉडल के तौर पे किया गया था। इसके आधार पर दलील दी थी कि अमेरिकी मूल निवासियों ने मिसाल बनकर यूरोपीय लोगों के लंबे लोकतंत्रों की आंदोलन के बीज बोए। यानी यूरोपीय लोगों ने जो वहां पे कॉलोनीज बसाई अमेरिकन, ये नॉर्थ अमेरिका में, वहां पे क्या हुआ कि इन लोगों ने उसका विरोध करा। और ये जो इंडियंस है, अब ये इंडियंस भारतीय नहीं है,
आप इंडियंस को भारतीय समझो। क्या होता था कि ये जो अमेरिका वगैरह होता है ना, ये नॉर्थ अमेरिका, अगर यहाँ की हम बात करते हैं अमेरिका की, तो यहाँ पे एक वहाँ की जो लोकल जो प्रजाति होती है ना, जिसको हम मूल निवासी कह सकते हैं, वो एक रेड इंडियन नाम से एक मूल प्रजाति के लोग थे, जिनको रेड इंडियन कहा जाता था। तो वो जो रेड इंडियन है, उन रेड इंडियन का मतलब है कि अमेरिका में एक मूल निवासियों की एक प्रजाति समझ लो, या एक जनजाति समझ लो, वो है। वो इंडियन वर्ड आ रहा है तो आप उसको भारतीय मत समझ लेना। वो इंडियन, रेड इंडियन और हमारा जो इंडियन होता है, वो दोनों अलग अलग होता है, सेम मत समझना, बस यही कहना चाह रहा हूं मैं।